हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम अनबॉक्स करेंगे लिनोवो के नोट का। ये लिनोवो की तरफ से पहला डिवाइस है जो स्टॉक एंड्रॉयड पे लॉन्च हुआ है। ये डिवाइस दो कॉन्फ़िगरेशंस पे आता है, एक 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी, और दूसरा है 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी। ये जो डिवाइस है 332 GB का है और ये दो कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है, एक वेनम ब्लैक और दूसरा है फाइन गोल्ड। हमारे पास जो डिवाइस है ये वेनम ब्लैक कलर का है। चलिए इसको खोल के देखते हैं कि डिवाइस अंदर से कैसा है। ये है लेनोवो के नोट, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि थोड़ा सा भारी है, ये 180 ग्राम का है और लेनोवो ने एक बैक केस भी दिया है इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये डिवाइस पूरी तरह से मेटल का है तो स्क्रैचेस लगने के काफ़ी आसार हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल बैक केस है जो जल्दी ख़राब नहीं होगा आई थिंक। और चलिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। ये रहा आपका सिम इजेक्टर टूल, इसके डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम होते हैं और डिवाइस के अंदर ऐसा ही आता है। और यह है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जो आजकल किसी को ज़रूरत नहीं होता है। ये रहा आपका चार्जर, 15 वाट चार्जर है, बहुत फास्ट है, मोटोरोला में जैसा होता है वैसा ही है। और ये है आपका USB केबल, अंदर कोई भी आपको लेनोवो ईयरफोन्स नहीं देता है तो आपको खुद खरीदना पड़ेगा उसको। चलिए इसको साइड में रखते हैं और डिवाइस को देखते हैं अच्छे से। ये डिवाइस 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है और 4000 mAh की बैटरी है। और ये पहला डिवाइस है दुनिया का जो हेलियो X23 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है। ये एक डेकाकोर प्रोसेसर है। अब आप देख सकते हैं टॉप पे 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। राइट साइड में आप देख सकते हैं पावर बटन है और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन भी है यहाँ पर। ऊपर आप देख सकते हैं 3.5 mm हेडफोन जैक और लेफ्ट साइड में आपको एक डेडिकेटेड म्यूजिक की मिलेगा जिससे आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं, और डुअल सिम स्लॉट और एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिल रहा है। इधर आपको माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर मिल रहा है। तो चलिए इसको पावर ऑन करके देखते हैं। ये आप देख रहे हैं लिनोवो का एनिमेशंस, बूट अप एनिमेशंस बहुत ही खूबसूरत है दिखने में। चलिए इसको हम जल्दी से सेटअप कर लेते हैं।
चलिए अब हम अपना फिंगरप्रिंट को ऐड कर देते हैं। दस बारह टैब लगते हैं इसमें। ये सेटअप हो गया है फिंगरप्रिंट। आप देख सकते हैं कि ये प्योर स्टॉक एंड्रॉइड पे चल रहा है, तो डिवाइस काफ़ी स्मूथ चलेगा, अनलाइक वाइब यूआई जो काफ़ी स्लगिश होते हैं। देख सकते हैं आप, ये एंड्रॉयड नूगट 7.1.1 पे आ रहा है और लेनोवो ने प्रॉमिस भी किया है वो काफ़ी क्विक सॉफ्टवेयर अपडेट्स देंगे। नेक्स्ट जो अपडेट है ओरियो, वो शायद बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा इसमें। चलिए हम इसका मेमोरी स्टेटस देख लेते हैं, पहले बूटअप के बाद कितना फ्री है। आप देख सकते हैं सिर्फ 1.4 GB फ्री है। आप देख सकते हैं इंटरनल मेमोरी 11 GB सिस्टम ने लिया हुआ है, मतलब आपको 21 GB के करीब मिलेगा इंटरनल मेमोरी। इसमें कुछ माइक्रोसॉफ्ट के एप्स भी प्रीलोडेड हैं, देख सकते हैं। अब हम इसका वाईफाई ऑन करके एक ब्राउजिंग टेस्ट ले लेते हैं इसका, कि वेबसाइट्स को ये किस तरह से हैंडल करता है, लैग होते हैं कि नहीं। काफ़ी जल्दी इसने लोड कर दिया वेबसाइट को। अब हम इसका डेस्कटॉप साइट भी खोल के देख लेते हैं। पिंच टू जूम करने पे कोई लैग नहीं हो रहा है, बहुत स्मूथ है। इसका टच रिस्पॉन्स जो है बहुत ही बढ़िया है, डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है, हालांकि थोड़ा ग्रेस कलर है। जी 5 प्लस का थोड़ा सा ब्लूइश था। टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। अब मैं आपको एक YouTube वीडियो चला के इसका स्पीकर का क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो इसका लाउड स्पीकर काफ़ी लाउड है और डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया है, वीडियोस देखने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये है इसके वॉलपेपर्स, आप देख सकते हैं। इसका जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी तेज़ है, बहुत ही एक्यूरेट भी है, बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करता है। चलिए इसका कंपैरिजन G5 प्लस के साथ एक बार करते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा तेज है। पता नहीं चला इस बार, और एक बार देखते हैं। केड नूर थोड़ा सा तेज है, फिर से आप देख सकते हैं। तो केड नूर का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है G5 प्लस से थोड़ा सा ज़्यादा तेज है,
लेकिन डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में आप देख सकते हैं, जो G5 Plus जैसे कि मैंने बोला था थोड़ा सा ब्लूइश है और ये थोड़ा सा ग्रेइश है। पर्सनली मुझे दोनों डिस्प्ले में मोटो G5 Plus का डिस्प्ले थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आपका पसंद अलग हो सकता है, आप देख सकते हैं ब्राउजिंग में कैसा कलर आएगा, आप देख सकते हैं वाइट्स कैसे दिखने वाले हैं। टच रेस्पॉन्स जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिस्प्ले में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये था एक क्विक अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन वीडियो। अगली बार मैं आपको इसका गेमिंग रिव्यू दिखाऊंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप भी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।